हैं YouTube चैनल पर। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए इस बेस पर टॉपिक बनाया गया है। आज का जो बेस्ट टॉपिक है वो हिंदी लेखक व उनके जन्म स्थान है। यूपी पुलिस के कई बार पिछले एग्जाम में भी आया था ये, और हर एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखे आते जरूर है। इसका पार्ट फर्स्ट मैं आपको करा रहा हूँ, इसके बाद पार्ट सेकेंड इसके बाद होगा, और ट्रिकों से याद कराया जाएगा। सिर्फ 2 मिनट में आपको ये याद कराया जाएगा। इसके अलावा कोई वीडियो आपको देखनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसमें हर वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब पर भूपेंद्र शॉर्ट हैंड लिखना है। भूपेंद्र शॉर्ट हैंड जब लिखोगे तो सभी वीडियो ओपन हो जाएगी, और प्ले लिस्ट पर जाके क्लिक करना है। जैसे आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे सभी वीडियो अलग अलग खुल जाएगी। उसमें हिंदी की अलग है, मैथ की अलग है, रीजनिंग की अलग है, जीके की अलग है, शॉर्ट हैंड की अलग है, हर चीज उसमें अलग अलग मिल जाएगी। जो वीडियो आपको चाहिए वो वहां से आपको अवेलेबल है। अगर इसके अलावा भी कोई भी अगर आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो हर वीडियो के लास्ट में हमारे फोन नंबर दिए गए हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे बता सकते हैं कि यह हमारे सामने ये समस्या है, इस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट में कैसे याद करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला था मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ चिरगांव झांसी यूपी में पड़ता है। याद कैसे करेंगे, मैथिली से याद रखें मंथली, मैथिली से क्या याद रखें मंथली, मंथली होता महीना। अब एक बंदा कह रहा है कि कोई मैथिली यानी मंथली मांगने वाला, यानी जो कहते हैं ना मंथली मांगते हैं कि हफ्ता दो भैया, ऐसा हफ्ता या मंथली वाले, ये जो मंथली मांगने वाला धोखे से भी कोई चिर गांव गांव में चला गया तो गांव वाले चीर देते हैं उसको, चीर देंगे और झांसी और फांसी को भी लटका देंगे। मंथली से याद रखें मैथिली, मंथली मैथिली। अगर कोई मंथली मांगने वाला, पैसे मांगने वाला, कि महीना हो गया पैसे लाओ, ऐसे कोई मंथली मांगने वाला, जैसे हफ्ता मांगते हैं गुंडे टाइप में, उनके लिए है ये कि जो मंथली मांगने वाला, पैसे मांगने वाला अगर गांव में चला गया तो गांव वाले चीर देंगे उसको और झांसी और फांसी पे भी लटका देंगे। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी यह दौलतपुर रायबरेली। याद कैसे करेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी से याद रखें महावीर से याद रखें महान, जो महान लोग होते हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो लोग महान होते हैं उनके सामने दौलतपुर दौलत कोई मायने नहीं रखती, रायबरेली चाहे कोई कितनी राय देते उनको। जैसे महान लोग कौन होते हैं, जैसे गांव के लोग बेचारे, या जो शायद कुछ लोग जो आर्मी में गए हुए हैं और आर्मी में जो है उनके पास बहुत पैसा है, ऐसे कितने लड़के हैं कि कई 100-100 बीघे जमीन है या बहुत मालदार है, लेकिन अकेला लड़का है तो भी आर्मी में गया है, तो वे देश के लिए मरते हैं, उनके लिए देश का जज्बा है। तो वे ऐसे उनके लिए बात बताएगी जो महावीर लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं दौलतपुर, उनके लिए दौलत कोई मायने नहीं रखती, चाहे लोग कितनी राय दे कि कहेंगे भाई नौकरी छोड़ दे, तेरे पास बहुत खेती है, नौकरी छोड़ दे, बहुत जमीन है, बहुत बिजनेस है, लेकिन राय कोई दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महावीर से याद रखें महान, महान लोगों के लिए दौलत कोई मायने नहीं रखती, चाहे कोई कितनी राय दे। रायबरेली राहुल सांस्कृत्यान का जन्म पंधा गांव आजमगढ़ यूपी में पड़ता है। राहुल से याद रखें राहुल गांधी, राहुल से याद रखें राहुल गांधी। भाई राहुल गांधी के लिए बीजेपी पंधा यानी फंदा बन गई है। क्यों बन गई है, कि बीजेपी ने आजमगढ़ सारे गढ़ छीन लिए उससे। तो राहुल सांस्कृत, राहुल सांस्कृत राहुल गांधी, राहुल गांधी जी के लिए फंदा बन गई है बीजेपी, क्योंकि धीरे धीरे करके आजमगढ़ सारे गढ़ छीन लिए उनसे, कुछ नहीं छोड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ बलिया में। हजारे से याद रखें हजारों लोग, बलिया बालिका हजारे, अब कह रहे हैं बलिया से याद रखें हजारे से याद रखें हाजरी। एक पंडित जी कह रहे कि हाजरी लगाओ मंदिर में, है ना, हाजरी लगाओ मंदिर में तब प्रसाद मिलेगा बालिका। बलिया से क्या हो जाएगा, बालिका, बालिका लड़की बच्चे को भी बोलते हैं, कह रहे भाई हाजरी लगाओ मंदिर में तभी प्रसाद मिलेगा बालिका, तो बालिका से हो जाएगा बलिया। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ रायबरेली में, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक से याद रखें मालिक, मलिक से क्या याद रखें मालिक, मालिक की राय के बिना कोई काम नहीं होता भैया, मलिक मोहम्मद जायसी रायबरेली, यानी मालिक की राय के बिना कोई काम नहीं होता रायबरेली। विद्या निवास मिश्र गोरखपुर यूपी, विद्या वही निवास करेगी जो लोग गोरखपुर गौर से पढ़ेंगे। तो विद्या निवास, विद्या कहाँ निवास करेगी, विद्या वही निवास करेगी जो लोग गौर से पढ़ेंगे गोरखपुर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सहारनपुर,
कन्हैया जी जो है, कन्हैया तो सबके सहारनपुर है, सबके सहारे हैं, उनके बिना कोई काम नहीं हो, सब सबका सहारे हैं। ठीक है, यानी जो है कन्हैया जो है करके क्या है, सबके सहारे, यानी उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता। तो कन्हैया जी क्या है, सबके सहारे हैं, सहारे से हो जाएगा सहारनपुर। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म है प्रयागराज यूपी। तो हरिवंश राय कौन है, अमिताभ जी के पिताजी हैं। तो हरिवंश राय जी ने प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास करा, बहुत ज्यादा कोशिश करी, तब कहीं जाकर अमिताभ बच्चन जी सक्सेस हुए। तो हरिवंश राय बच्चन जी राइटर थे, बहुत कवि, बहुत महान कवि थे। इन्होंने बहुत प्रयास करे, बहुत प्रयोग करे, तब कहीं जाकर अमिताभ बच्चन जी सक्सेस हुए। सूरदास का है लुढ़कता, सूरदास, सूरदास से याद रखे सुर। अब एक बंदा कह रहा है कि भाई तुम्हारे सुर बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत अच्छा गाना गा, तो रुनकता रुकना नहीं है, गाता रहे, रुनकता रुकना नहीं। सूरदास यादव के सुर, सुर बहुत अच्छे भाई तुम्हारे, रुकना नहीं है, गाता रहे। तुलसीदास से याद रखे तुलसी। आपको एक बंदा कह रहा है कि भाई तुलसी के जो पौधे होते हैं ना, तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसीदास से याद रखे तुलसी, तुलसी के पत्ते को चित्रकूट, तुलसी के पत्ते को मैं कूटता हूँ। एक बंदा बोल रहा है ऐसे, चित्रकूट कह रहे, तुलसी के पत्तों को मैं कूटता हूँ, और एक बंदा इस बात को कह रहा है उसको फिर मैं पीता हूँ, स्ट्रॉन्ग रहता हूँ, कोई बीमारी नहीं लगती है। तो तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट में, बांदावन में, अपवाद है जिसमें मैंने दोनों लिख दिए, ऑप्शन ए किया है। कबीरदास जी का जन्म है वाराणसी, कबीरदास। तो कबीरदास जी के दोहे इतने फेमस है, हर एक बंदा अपनी वाणी से बोलता ही रहता है उनको। तो कबीरदास जी के दोहे इतने फेमस हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी वाराणसी से, याद रखें वाणी, अपनी वाणी से उनके दोहों को गुनगुनाता रहता है। जय शंकर प्रसाद वाराणसी, जय शंकर प्रसाद रखे जय शंकर की, तो जय बोलते रहना चाहिए हमें शंकर भगवान की, जय बोलते रहना शंकर भगवान की अपनी वाणी से, अपनी आवाज से। तो जय बोलते रहो कि अपनी वाणी से बोलते रहो शंकर भगवान। रैदास जी का जन्म हुआ काशी, यूपी में पड़ता है। रैदास से रहेगा रहे ना कोई उदास, रैदास रहे ना कोई उदास, क्या कह रहे हैं, रैदास रहे ना कोई उदास, भगवान से कह रहे हैं कि रहे ना कोई उदास, काशी, काश ऐसा हो भगवान, काशी से याद रखे, काश रैदास से याद रखे, रहे ना कोई उदास, काश भगवान कुछ ऐसा हो, काशी काश। महाकवि भूषण कानपुर, महाकवि भूषण, महाकवि कानपुर, भाई महाकवि से याद, भूषण से याद रखे आभूषण, भूषण से याद रखे आभूषण। आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, कानों में पहने जाते हैं, महाकवि भूषण से याद आएगा आभूषण, और आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, कानों में पहने जाते हैं, कहाँ पहने जाते हैं, कान सुधे कान। महादेव वर्मा फरुखाबाद, ये सबसे महान देवी है, महादेवी से याद रखे महान देवी, ये सबसे महान देवी है, और इस बात का हमसे फक रहे हमें, इस बात का गर्व है, फरुखाबाद ये सबसे महान देवी है, और इस देव महान देवी के कारण इसलिए इस बात का हमें फक रहे हैं, फरुखाबाद। बिहारी जी का जन्म हुआ ग्वालियर में, बिहारी, ग्वालियर, बिहारी, हार नहीं मानी चाहे लोग कितनी गालियां देती रहे, बिहारी से याद रखें हार, हार मत मानो लोग चाहे कितनी ग्वालियर से याद रखें कि गालियां देते रहे, हार नहीं माननी है बिहारी से, हार बिहार, हार हार नहीं माननी है ग्वालियर, चाहे लोग कितने ही गवार कहें कितनी गालियां देते रहे। लल्लू लाल आगरा, अब एक बंदा कह रहा है भाई ये तो बिल्कुल लल्लू है, मैंने सब पूछा आगरा कहाँ है, दिल्ली में बता रहा है, अरे भाई तो लल्लू तो हो गया, उसे ये नहीं पता कि आगरा कहाँ है। तो लल्लू लाल एक बंदा लल्लू है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि आगरा कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, दिल्ली में बता रहा है, तो कहाँ है ताजमहल, आगरा में, इसलिए जो है उसको काम लल्लू लाल पड़ गया, लल्लू लाल का जन्म आगरा में। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ लंबी वाराणसी, मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी जी प्रेमचंद कहते हैं, प्रेमचंद से याद रखें प्रेम, लम्हे से याद रखें लम्हे, तो हर लम्हे प्रेम से रहना चाहिए अपनी वाणी से, हर एक बंदा, हर एक सज्जन व्यक्ति, हर एक बड़ा व्यक्ति यही बात बोलता है मुंशी प्रेमचंद, प्रेम से रहना चाहिए, हर लम्हे को आराम से जीना चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए हर लम्हे को अपनी वाणी से, हर एक व्यक्ति यही बात बोलता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय निजामाबाद आजमगढ़,
अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह, अयोध्या के चक्कर में अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब तो फैसला हो गया, जब ऐसा नहीं होगा तो अयोध्या के चक्कर में निजामबाद, बड़े बड़े निजाम बर्बाद हो गए, आजमगढ़ बड़े बड़े गढ़ लूट गए। अयोध्या, अयोध्या के चक्कर में निजामबाद बड़े बड़े निजाम बर्बाद हो गए, निजाम बर्बाद हो गए और आजमगढ़ और बड़े बड़े गढ़ तबाह हो गए। ठीक, इस तरीके से पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, तब जाकर टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज्यादा कमेंट करके बताएं। और कोई नया विद्यार्थी है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। और ज्यादा ज्यादा आपसे ये अनुरोध है कि ग्रुप में भेजें, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर हर वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा इसको कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे हमें पता नहीं चलेगा कि वीडियो आपके लिए कितना अच्छा हो, कितनी यूजफुल। धन्यवाद।